ये उन्होंने एक मुझे जो है वो डाल के जो है वो भेज दिया। आप देख रहे हैं क्या चीज़ मैंने डाल के भेज दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने ऑर्डर क्या किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इसके अंदर मैंने राउंड ब्रश और ये सेलर कौन सा है ये भी आपको दिखाते हैं। तो है जी कोई ट्रेंड स्पीके और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकला है। और ये देखें जी, ये इन्होंने ऑर्डर किया 0.3 kg। और ये बाकी डिटेल्स वगैरह नॉन कलेक्शन पॉइंट से, बाकी इसको मैं ओपन करता हूँ। और इसके अंदर जो चीज़ मैंने मंगवाई हुई है वो वाली नहीं लग रही, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन है क्या निकला है। तो ये देखें, कट किया और इसको निकाला। तो ये देखें जी, ये उन्होंने एक मुझे जो है वो डाल के जो है वो भेज दिया। आप देख रहे हैं क्या चीज़ मैंने डाल के भेज दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने ऑर्डर क्या किया था। न्यू राउंड हेयर ब्रश मैंने ऑर्डर किया था 210 रुपये का। और इसके अंदर से ये गटिया सा निकला है। इसका पहले मैं ट्रैक पैकेज करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कब कब मैंने मंगवाया था। 17 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था, 18 तारीख को बाकी डिटेल्स वगैरह, और ये 21 तारीख को पिकअप के लिए अवेलेबल था। और बाकी जो है वैसे का सीन हो गया। ओके जी, तो ये सीन है इसका। और मैं आपको ये दिखाता हूँ इसके रिव्यूज़ वगैरह। इस पर रिव्यू वगैरह तो कोई नहीं है। स्टोर की रेटिंग आपको ज़रूर दिखाता हूँ। अब 275 रुपये का कर दिया है। तो इस स्टोर की रेटिंग जो है वो प्रोफाइल में जाते हैं और आपको दिखाते हैं। 68% है पैक ऑफ 6 प्योर वाइट सॉफ। तो देखते हैं कि इसका क्या हाल होता है, क्योंकि ये तो बड़ी घटिया काम इन्होंने किया है। तो ये था, बाकी टाइम पे शिप हो गया था, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर लगाई हुई थी वो वाली चीज़ नहीं निकली। तो इसको मैं रिटर्न करूँगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि सेलर्स ऐसे कर देते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। ये राउंड ब्रश होना चाहिए था आपको कर्ल वगैरह डालने के लिए। और इसकी क्वालिटी वगैरह भी अगर आप देखें तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और ये दाने भी बिल्कुल सख्त हैं। यूजुअली जो होता है ना ऐसे के ब्रश, उनके यहाँ पे पेपर लगा होता है तो ताकि जब आप सर में करते हैं ना तो ये पुश हो जाते हैं, तो आपको चुभते नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा चुभेंगे, चीज़ लिखी हुई थी ये तो बिल्कुल भी वोवली नहीं है। तो यार ये जो भी हैं ट्रेंड्स वाले भाई, इनकी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ निकली है बाकी इसमें से, और मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। ये करते हैं ये लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।